पूर्व जस्टिस मार्कंडेय कारजू अक्सर अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं और एक बार फिर कारजू ने विवादित बयान दिया है और इस बार बयान कश्मीर और बिहार को लेकर है। कारजू ने फेसबुक वॉल पर लिखा है कि पाकिस्तान के लिए ऑफर है, उसे कश्मीर के साथ बिहार को भी लेना होगा। उन्होंने लिखा, ये एक पैकेज डील है, या तो दोनों नहीं तो फिर कुछ नहीं। हम सिर्फ कश्मीर नहीं देंगे, क्या आपको मंजूर है? उसके बाद उन्होंने यह भी लिखा कि पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने भी आगरा वार्ता के दौरान पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ को भी यह ऑफर दिया था, लेकिन मूर्ख मुशर्रफ ने रिजेक्ट कर दिया था। वे कारजू की इस टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ा एतराज जताया है। कारजू के इस बयान की काफी आलोचना हुई, जिसके बाद कारजू ने अपनी सफाई में इसे सिर्फ एक मजाक बताया है और लोगों की कड़ी प्रतिक्रिया को सेंस ऑफ ह्यूमर की कमी बताया है।